नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उड़न और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई रेलवे सेक्टर 2 में स्थित आरोज इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से 1 से 2 फरवरी तक ओपन नेशनल लेवल ताइक्वांडो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2018 का भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें आयोजकों के माध्यम से बताया गया महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में सहभाग लिया है। पहली पारी नवी मुंबई के लड़ाकुओं ने लड़ी। और इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से शामिल रहे नेशनल कोच व प्लेयर मनोज भगत, पूर्व इंडियन नेशनल प्लेयर रविंद्र गजरे व अन्य मान्यवर। इसी विषय की अधिक जानकारी आरोज इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर संदीप गुप्ता ने दी है। इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आरोज इंटरनेशनल स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द ओपन नेशनल टाइकेंडो चैंपियनशिप इन नवी मुंबई। फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया द चिल्ड्रन आर कम हियर टू पार्टिसिपेट फॉर दिस मेगा इवेंट एंड आई विल थैंक्स टू ऑल द चिल्ड्रन एज वेल एज द नवी मुंबई स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन टू बी इन अ पार्ट ऑफ विद आरोज इंटरनेशनल। वही जगह आए हुए मान्यवरों और जजों ने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के प्रति अधिक जानकारी दी और आरोज इंटरनेशनल स्कूल की सराहना की और आरोज इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल संगीता बगारिया व डायरेक्टर संदीप गुप्ता का आभार व्यक्त किया। सर, फर्स्ट टाइम हमने ऑर्गेनाइज की है ओपन नेशनल लेवल ताइक्वांडो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2019। संदीप गुप्ता सर ने हमें स्पॉन्सर्स किया है और ऑर्गेनाइजिंग हेल्प की है और को ऑर्गेनाइजिंग के साथ में एसोसिएशन विद नवी मुंबई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन, इनके साथ में मिलकर हमने ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ की है। और ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे मोटो ये है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए ताइक्वांडो के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस सीखे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और यहाँ पर मैक्स टू मैक्स पार्टिसिपेशन का जो फिगर है ये 213 आया हुआ है, 213 बच्चे पार्टिसिपेशन किए है। और ये जो कॉम्पिटिशन रखने का पीछे हमारा जो मोटो है, मैक्स टू मैक्स बच्चे पार्टिसिपेशन करें और गेम को इंक्रीज करें, मोटिवेट करें। आरोज इंटरनेशनल स्कूल में जो कॉम्पिटिशन रखा है ताइक्वांडो का, उसमें बहुत से बच्चे लोग बाहर से भी आए हैं तो वो लोग बहुत से अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं और मैक्सिमम यहाँ से वो लोग इंटरनेशनल लेवल में जाएंगे, ये सब सर देख रहे हैं और कमलेश सर के अंडर ये चल रहा है। तो हमारा भी प्लानिंग है कोचेस लोग का कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इंटरनेशनल तक खेलने जाएंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको एक एक्सपीरियंस सेट करने मिल रहा है, अपना गोल सेट करने मिल रहा है, उनको समझेगा कि बाहर की दुनिया में कैसे लोग खेलते क्या है और सीखने मिलेगा उसके से। सर अच्छा है सर, मोटिवेशनल का टाइप टूर्नामेंट होगा। सबसे पहले तो अभी जैसे अभी ये स्कूल में आए सब छोटे छोटे बच्चे, उनको इतना बड़े लेवल पर खेलने का मौका मिल रहा है, इससे वो और एनकरेज होंगे आगे परफॉर्म करने के लिए और आगे पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको अच्छा एक बहुत बढ़िया और बड़ा प्लेटफॉर्म है एक करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आरोज इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पे एक ताइक्वांडो का इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इसी के थ्रू हम लोग एक क्लीन गुड गेम को आगे लेके जाएंगे और यहाँ से इसके आगे नेशनल वगैरह में पार्टिसिपेशन। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके बच्चों को ग्राउंड गेम से जुड़ा रखें, मोबाइल गेम, टीवी गेम वगैरह में ना ज़्यादा बिजी रखें, एक्टिविटी में ज़्यादा बिजी रखें, जिससे बच्चे फिजिकली स्ट्रांग और फिट हो। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रोनेश्वर के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।
नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरन और लोनावला की ताजातरीन खबरें।